तो देश भर में लॉकडाउन बढ़ने के बाद से ही दिल्ली पुलिस को ऐसी आशंका थी कि एक बार फिर लोग दिल्ली से अपने गांव की तरफ पलायन कर सकते हैं, और यही वजह है कि शाम से ही दिल्ली के सभी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी थी। हालांकि कुछ लोग बॉर्डर पर पहुंचे लेकिन उनको वापस भेज दिया गया। दिल्ली यूपी बॉर्डर का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तमाम बॉर्डर्स पर बढ़ा दी गई है। दरअसल वो यूं क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लागू किया गया था उस वक्त दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग पलायन करना शुरू हो गए थे। ऐसे में कल भी जब लॉकडाउन बढ़ाया गया तब दिल्ली पुलिस को इस बात की आशंका थी कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बॉर्डर्स पर पहुंच सकते हैं और पलायन कर सकते हैं। ऐसे में कल देर रात से ही दिल्ली यूपी बॉर्डर्स पर सुरक्षा को और भी ज़्यादा चाक चौबंद कर दिया है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जो जवान हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यूपी पुलिस के तमाम जितने जवान हैं हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को आगे एंटर करने दिया जा रहा है जिनके पास पास है या फिर वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं। आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के तमाम जितने जवान हैं वो यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं। हालांकि कल देर शाम कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली से पलायन करने की कोशिश कर रहे थे, वो यूपी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उनको रोका और उनको वापस दिल्ली भेज दिया। और प्रधानमंत्री ने भी साफ किया है कि 20 तारीख तक ये देखा जाएगा कि कौन सा राज्य जो है लॉकडाउन का अच्छे से पालन करता है और उसके बाद लॉकडाउन में रियायत की जाएगी। 20 तारीख तक तमाम जितनी मॉनिटरिंग होगी उसको देखते हुए, तो जाहिर सी बात है 20 तारीख तक जो लॉकडाउन है उसको पालन कराने के लिए, उसको अच्छे से पालन कराने के लिए तमाम जितने राज्यों की पुलिस हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई हैं। और कहीं ना कहीं 20 तारीख के बाद अगर कंट्रोल होता है कोरोना के केसेस में, ऐसे में उसी हिसाब से ये देखा जाएगा कि कौन से राज्य में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो लॉकडाउन हुआ है उसमें छूट दी जा सकती है, उसी हिसाब से तय किया जाएगा। लेकिन कल से जब लॉकडाउन 2.0 शुरू हो गया है तभी से तमाम जितने पुलिस हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या फिर तमाम जितने राज्यों की पुलिस हैं वो और भी ज़्यादा मुस्तैद हो गई हैं लॉकडाउन का पालन कराने के लिए और धारा 144 का पालन कराने के लिए। कैमरामैन आकाश के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।